हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के जो पीटी स्टार्ट हो चुके हैं और वो चल रहे हैं। तो आज की डेट में 23 मई की डेट में दो नोटिस जो हैं पब्लिश हुए हैं आंधी के कारण, जिन कैंडिडेट का जो पीटी है वो नहीं हो पाया था उसके कैंसिलेशन का नोटिस ये है, और उनका फिजिकल अब कब होगा उसके बारे में जो नोटिस है ये। दोनों नोटिस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो पहले हम कैंसिलेशन नोटिस देख लेते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है। कैंसिलेशन नोटिस जो है वो ये है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थी की द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता जनपद मेरठ छठी वाहिनी की साथ पीएसी वाहिनी की यानी कि 19/5/2000 से संपादित कराई जा रही है। यानी कि 19/5 से आपकी जो है सेकंड फेज़ की जो पीटी है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और सेकंड पॉइंट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर जो डीवीपीएसटी में सफल कैंडिडेट हैं मेरठ के अंदर जिनका पीटी 23 तारीख को यानी कि आज सुबह था, तो उनका बारिश की वजह से और आंधी की वजह से जो है फिजिकल नहीं हो पाया था। तो इस वजह से जो उनका 23 तारीख को यानी कि आज सुबह के शिफ्ट में था उनका अब 27 मई को 5 बजे से 7 बजे तक सुबह प्रथम पाली में जो है कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आज आपका था और आपका फिजिकल आज नहीं हो पाया है, पीटी नहीं हो पाया है, तो टेंशन मत लीजिए, 27 मई को आपका फिजिकल जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। सेकंड नोटिस देखते हैं। इस नोटिस के अंदर तो बस इतना ही हमारे लिए जानने वाली चीज़ है। सेकंड नोटिस जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, सेकंड नोटिस के अंदर फिर से जो सेकंड पॉइंट है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर फिर से ये लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं ये प्रयागराज के बारे में है और वो मेरठ के बारे में था। तो 31 मई में आयोजित उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ तेज़ आंधी और बारिश के कारण जो है वो भी स्थगित हो गई थी। तो जो 21 तारीख के कैंडिडेट थे प्रयागराज के जो कैंडिडेट थे उनका अब जो पीटी है वो 24 मई को यानी कि कल की डेट में प्रथम पाली में होने वाला है। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और इजीली आप जल्दी से जल्दी अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा पीटी देने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर कोई यूपीएसआई से रिलेटेड अपडेट आएगी, न्यू लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। उसके लिए अपडेट आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।